हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 12 इमारतें चित्र तथा किताबें। इसका पहला क्वेश्चन है, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने मेहरौली के लोह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। यह अद्भुत लोह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह लोह स्तंभ जो है वह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इस पर खुदे अभिलेख से इसके बनने के समय की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है, जो कि सही है। स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूसा कहलाता है। यह कथन जो है वह सही नहीं है। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है, जो कि सही है। प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। यह भी सही है। कथन बी जो है वह सही नहीं है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप आकार में कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते हैं। सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज एक डिब्बे में रखी जाती थी, जिसे धातु मंजूषा कहते थे। और स्तूप इन्हीं धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुमनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। उदाहरण के लिए अमरावती से प्राप्त स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। स्तूप निर्माण में राजा के अलावा व्यापारी, कृषक, श्रमिक भी योगदान देते थे। जैसे हाथीदांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनवाने का खर्च दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन वन, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था। यह कथन जो है वह सही नहीं है। महत्वपूर्ण भाग जो है गर्भ गृह होता था, न कि मंडप। मंदिरों में गर्भ गृह नामक की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग एकत्र होते थे। यह कथन भी गलत है। सभागार जो है वह मंडप होता था जहाँ लोग एकत्र होते थे। गर्भ गृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। यह कथन जो है वह सही है। तो केवल ऑप्शन थ्री जो है वह सही है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सही कथन है। इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। यह भी सही है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। यह कथन भी सही है। ऑप्शन डी, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है, क्योंकि स्त्रियाँ और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को सुन सकते थे। तो ऑप्शन डी जो है वह सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है? पुराणों के संकलन से संबंधित हैं व्यास, उग्रसरवा, लोमहर्ष। मंखक जो है वह इससे संबंधित नहीं है। पुराणों की कुल संख्या 18 है, परंतु मत्स्य पुराण में लिखा है कि पहले पुराण एक ही था, उसी से अन्य सभी पुराण निकले। ब्राह्मण पुराण के अनुसार वेद व्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया। विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्ष को दी थी। लोमहर्ष उग्रसरवा लोमहर्ष के पुत्र थे और ये भी पुराणों के संकलन से जुड़े थे। मंखक जो है वह कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे। श्री कंठचरित महाकाव्य तथा मंख कोश इनकी रचनाएं हैं। पुराणों के संकलनकर्ताओं में से एक व्यास द्वारा ही महाभारत का संकलन किया गया था। महाभारत का लेखन कार्य 1500 वर्ष पूर्व किया गया था। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो वे एक ज्योतिष थे, खगोलविद भी थे और गणित से भी संबंधित हैं। तो सभी से संबंधित हैं। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। ये एक महान ज्योतिषविद भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की वृद्धि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि। शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाभारत, भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, जो कि सही कथन है।
गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई। यह कथन जो है वह सही नहीं है, क्योंकि पहले यह अरब के लोगों के द्वारा अपनाई गई थी और बाद में यूरोप में फैल गई थी। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। यह कथन जो है वह सही है। तो सही कथन है ऑप्शन 1 और 3, जो कि ऑप्शन बी में है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में काव्य दिए गए हैं और सूची दो में उनके रचनाकार। शिल्पादिकारम के रचनाकार हैं इलंगो आदिगल, मणिमेखलई के शीतलई सतनार, मेघदूतम के कालिदास और रामायण के वाल्मीकि। मणिमेखलई नामक महाकाव्य तमिल के एक व्यापारी शीतलई सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। प्रसिद्ध गीत काव्य मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित है और इसमें एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। कालिदास अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखते थे। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं और इसमें कौशल के राजकुमार राम की कथा वर्णित है। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो है वह चीन में हुआ था। लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नामक व्यक्ति ने किया था। लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। लगभग 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके साथ ही जो क्लास 6 के सभी चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।